इंडिया पाकिस्तान जितना भी बोल ले क्रिकेट में बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है, बट हेल्दी कंपटीशन पता है किसको बोलते हैं? हेल्दी कंपटीशन उसको बोलते हैं जो चार मैच जीता हो दूसरा पांच मैच जीता हो या टक्कर टक्कर का हो। यहाँ पर टक्कर ही नहीं, यहाँ पे एक मैच उन्होंने जीता है वर्सेस एन नंबर ऑफ मैचेस, इन्फिनिटी मैचेस जो वर्ल्ड कप में इंडिया ने जीते, तो हेल्दी कॉम्पिटिशन कैसे बोला जाता है इसको? देखो इंडिया की जो टीम है ना, अगर बहुत बड़ी टीम है अगर इंडिया की, तो वो पाकिस्तान से बायलेटरल्स खेलने में क्यों डरती है? आपको एक कॉन्सेप्ट पता है? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं तुक्का, जिसको बोलते हैं कि तुक्का लग गया, राइट? तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ। यार आप मुझे ये बताएं कि तुक्का अगर लगता तो क्या वो 152 पे जीरो आउट और वो चेस होता कभी? इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन, सो इंडिया वॉज जस्ट ब्लोन अवे फ्रॉम पाकिस्तान परफॉर्मेंस। तो आप ये तो माने ना, आपको नहीं लगता रोहित शर्मा हारिस राउफ से डरता होगा, इतना पेस कराता है? The last good team that I feel that Pakistan had three key players and I'll tell you who those key players were. That was Wasim Akram, that was Waqar Yunis and there was Shoaib Akhtar. वो टीम मुझे चिल्स देती थी। संडे को आप देख लेना, वसीम अकरम बन जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ बन जाएंगे वकार यूनुस और नसीम शाह बन जाएंगे शोएब अख्तर। द ओनली बेस्ट पोजीशन दैट आदम खान खेल सकता था वाज लेग अंपायर का पोजीशन, क्योंकि लेग अंपायर को बस यही करना होता। देखिए अगर आजम खान पे आप सवाल उठाएंगे तो फिर तो मैं रोहित शर्मा पे सवाल उठाऊंगा कि वो जो बड़ा पाव, जो इतने बड़े से वो हैं, इतना बड़ा सा रोहित शर्मा का मुंह है। तो क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को इंडियन टीम का कैप्टन होना चाहिए? खैर यार ये तो सब मजाक चलता रहेगा भाई, ये जितना भी हमने किया है सब मजाक का है, ये बिल्कुल भी आपने दिल पे नहीं लेना भाई। We have a lot of respect for each other's team and I feel like healthy competition is always good competition. Yeah, exactly. So podcast start करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कहता हूँ ठीक ठाक हो गए। सो बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ रिक्वेस्ट सेट। तो भाई आज का ये व्लॉग बड़ा डिफरेंट होने वाला है, जो कि एक व्लॉग नहीं बल्कि पॉडकास्ट होने वाला है। अब मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम अपना पॉडकास्ट करने वाला हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इंडिया से भी हैं और वो फिलहाल अमेरिका में हैं। उमेर, आई सुपर अप्रिशिएट यू लाइक होस्टिंग मी ऑन योर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। हम कितने टाइम से बात कर रहे हैं कि पॉडकास्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड आई फील राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि एक तो मतलब वर्ल्ड कप मैच होने वाला है T20 का US में, एंड आई एम ट्राइंग टू गो, आई एम ट्राइंग टू स्नैक टिकट्स कि किस तरह मेरे एक टिकट मिल जाए। सेकंड, लाइक फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान मैच June 6th को होने वाला है, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दैट? या एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मुझसे ज़्यादा तो शायद आपको एक्साइटेड होना चाहिए, आपके कंट्री में हो रहा है। बट या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हर साल, अब तो बड़ा अच्छा होता है कि ICC अरेंज करता है हर साल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो पिछले तीन मैचेस तो बड़े अच्छे गए थे, तो उनमें से दो तो बहुत ही अच्छे गए थे एज अ पाकिस्तानी। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे, मेरे को तो बहुत मजा आया था। हाँ तो बस अभी ये देखना है कि यार इस दफा वाला जो है बड़ा डिफरेंट जगह पे है। तो बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम बात करें, जरा सा ये बात कर लेते हैं कि ये वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम खेला जा रहा है अमेरिका में। सो यहाँ पे आज से पहले मैंने क्रिकेट भी होते हुए नहीं देखी, तो उस पर आपके क्या ख्याल हैं भाई? यार पता उमेर, आप यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि भले US में कभी देखा नहीं गया है क्रिकेट, बट US का क्रिकेट कभी पॉपुलराइज नहीं किया गया है, बट US का क्रिकेट राइट नाउ इज इन सच अ गुड स्टेट कि चेन्नई सुपर किंग्स है, उसका एक फ्रेंचाइजी चेन्नई में है, एक सियाटल में खुलने वाला है, देन कोलकाता नाइट राइडर्स जो है IPL की, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी भी खोल के रखी हुई है। तो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या कर रहे हैं अभी US क्रिकेट में आ रहे हैं। द रीज़न वो US क्रिकेट में आ रहे हैं, क्योंकि जो US क्रिकेट में एक मेजर लीग है और एक माइनर लीग है, जो माइनर लीग है वो इतने ज़्यादा दबदबे में है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दैट इज़ द केस। द केस इज़ बहुत सारे देसी लोग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज सब वहाँ से इंडिया पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आते हैं, US आते हैं, सब क्रिकेट, सबने क्रिकेट बचपन में खेला हुआ है, एंड जब काम कर रहे होते हो, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क है जो ऑफिस वाला काम है, डेस्क जॉब है, तो ना कुछ खेलना होता है, राइट? तो इट ऑल स्टेम फ्रॉम द पॉइंट कि हमारी जो देसी पॉपुलेशन है US में इतनी ज़्यादा है कि हमने चालू कर दिया है पर क्रिकेट खेलना, बहुत छोटे स्केल में चालू किया था, बट इट हैज कम टू अ पॉइंट जहाँ पे बाहर की फ्रेंचाइजीज आर रिकग्नाइजिंग कि हमें ये करना है। आउट ऑफ सोर्सेज दैट आई नो, यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ की एक इंडोर लीग IPL टाइप की लीग होने वाली है, जहाँ पे सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट का CEO, उसकी टीम होने वाली है। शाहरुख ने ऑलरेडी अपनी टीम की फ्रेंचाइजी यहाँ खोल दी है, चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी यहाँ फ्रेंचाइजी खोल रहा है, एंड मुंबई इंडियंस इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कमिंग ओवर हियर। सो भले यहाँ का क्रिकेट वॉज नॉट पॉपुलराइज अ लॉट,
बट इट इज़ कमिंग टू अ पॉइंट बिकॉज ऑफ द देसी कल्चर एंड देसी पॉपुलेशन हेयर, इट इज़ कम टू अ पॉइंट जहाँ पे ये बूम होने वाला है. एंड मेरा प्रेडिक्शन है ओवर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही है कि यहाँ का क्रिकेट बहुत कंपेरेटिव लेवल पे आ जाएगा आगे. आपने मैच देखा ना अभी जो हुआ था यूएस का? हाँ, मैंने मैच देखा यार. डूड, हाँ. क्या कितना सही खेला उन्होंने, लाइक दे वर लाइक सो नाइस विद देयर टेक्निक एंड हाउ दे अप्रोच द गेम ऑफ क्रिकेट. व्हाट वाज योर थॉट्स ऑन दैट? यार मैंने वर्ल्ड कप से ज़्यादा जो जो मैं समझता हूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन हुआ है यूएसए के लिए, दैट इज़ कि बांग्लादेश को उन्होंने जो हराया है. सो बांग्लादेश इज़ अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, बांग्लादेश इज़ अ वेरी गुड टीम जो इंडिया पाकिस्तान दोनों को टक्कर देती है. एंड व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान लाइक जब पिच पे आते हैं वो लोग और अगेंस्ट बांग्लादेश होता है, तो आपने 2022 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा जहाँ एडलेड में वो अपना कौन था अपना बांग्लादेश का राइट हैंड लिटन दास, ही टुक द मैच अवे फ्रॉम इंडिया. अगर वो विकेट नहीं मिलती तो शायद इंडिया वो मैच भी हार जाता. सो इंडिया जैसी बड़ी टीम को टक्कर दे देना, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कभी कभी हार भी जाता है बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान से बड़े बहुत ही किस्म के जो है एक तरह से टकराव का मैच होता है. सो अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये वो टीमें हैं जिसको अब हम छोटा तो कहते नहीं हैं, तो अगर इसको यूएसए हरा रहा है तो दैट मीन्स के बड़ी चीज़ है. मैं बता रहा हूँ अभी जैसे यूएस नया नया आया है एंड यूएस का जो हिस्ट्री रहा है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, राइट, यूएसए जब आता है, जब नया स्पोर्ट में आता है तो इट टेक्स टाइम. बट यहाँ का ब्यूटी ये है कि इन लोग इतना पैसा डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कि इनकी कोई भी स्पोर्ट की टीम ले लो यार, बास्केटबॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ सालों में ये बहुत एलीट लेवल के हो जाते हैं. एंड आई फील क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट में टीम्स बहुत कम है एंड क्रिकेट में जो डेल्टा अभी है, द डेल्टा इज ओनली बिटवीन पीपल, नेशंस व्हिच हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वर्सेस पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट. जस्ट स्टार्टेड में अगर देखो तो कनाडा है, कनाडा के उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे नहीं और मोस्टली इंडियन देसी प्लेयर है, राइट. जिम्बाब्वे विम्बाब्वे आने वाले हैं नहीं, नामीबिया विम्बाब्वे में भी ज़्यादा देसी प्लेयर खेलते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं. तो मुझे लगता है यूएस का क्रिकेट बहुत जल्दी, लाइक आई होप सो, कि एक क्रिकेट मैप में आ जाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतने देसी लोग, यहाँ का कल्चर ज़्यादा प्रोपगेट उसको कर रहा है. बट आई एम, जो भी केस हो, भले अच्छा करे ना करे, आई एम सो एक्साइटेड कि यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि यार इंडिया जा नहीं पाते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए, हाँ. फ्लाइट की टिकट इतनी लगती है, अब एटलीस्ट यहाँ आ रहे तो यहाँ तो देखने जाएंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करने जाएंगे. हाँ, जा रहे हैं इंडिया का मैच देखने. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में? यार हम किसको कर सकते हैं, आप बताओ, पाकिस्तान को करेंगे इंशाल्लाह. यार बड़ा बता, आई लाइक पाकिस्तान क्रिकेट, बट द ओनली थिंग इज, आपको पता है अब्बास मस्तान कौन है जो रेस मूवी बनाता है और जो थ्रिलर मूवी बनाता है? हाँ, अब्बास मस्तान वो मूवीज बनाते हैं. तो मेरे को लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इज एग्जैक्टली लाइक अब्बास मस्तान का मूवी. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, लाइक लिटरली 19.3 ओवर्स तक उन लोग जीत रहा होगा एंड लास्ट 3 बॉल उन लोग हार जाएगा, और उन लोग 19.3 ओवर्स तक हार रहा होगा, उन लोग फ्लिप भी कर सकता है. तो यू नेवर नो, दे ऑलवेज कीप यू ऑन द टोस. व्हाट इज बिल्कुल गोइंग ऑन विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, प्लीज टेल अस. भाई हम तो इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई यू नेवर नो, पाकिस्तान को ना तो हम हाई रैंक कर सकते हैं ना तो बिलो रैंक कर सकते हैं. पाकिस्तान कैन डू एनी थिंग, पाकिस्तान कैन डू वंडर्स. और ये आपके सामने अगर आप देखो 2022 का वर्ल्ड कप, लाइक आप जिम्बाब्वे से हार जाते हो एंड देन यू कम अप और आप फाइनल्स खेलते हैं, और फाइनल्स में भी अगर आपका एक प्लेयर वो शाहीन इंजर्ड नहीं होता तो आप शायद वो वर्ल्ड कप भी जीत जाते और अगर थोड़ी सी बैटिंग अच्छी हो गई होती. सो अगेंस्ट इंग्लैंड द वर्ल्ड चैम्पियंस, तो पाकिस्तान इज़ लाइक दिस के भाई वो इंडिया से हारेगा और उसके बाद जम करेगा, कभी जिम्बाब्वे से हार जाएगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं से पहुँचने वाला होता है तो वह पहुँच जाता है. सो पाकिस्तान की ये ब्यूटी है. और ख़ास तौर पर T20 अगर आप देखो ना, तो T20 में पाकिस्तान को आप बिल्कुल भी अंडर रेट नहीं कर सकते. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर वन डेज है तो वन डे पिछला वर्ल्ड कप आपके सामने परफॉर्मेंसेस, तो वो कोई ऐसी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस नहीं थी. वी ऑल नो कि पाकिस्तान वन डे में काफ़ी नीचे जा चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर थिंग्स. आप अफगानिस्तान से भी हार रहे हो, बट इन T20, व्हेन इट कम्स टू T20, आप पाकिस्तान से डरो, आप पाकिस्तान से फेयर करो, बिकॉज आपको करना चाहिए, वरना अगर आप हार गए पाकिस्तान से तो आपके लिए मसला हो जाएगा. तो अभी पाकिस्तान अभी जैसे वार्म अप मैच जो हुआ था, वार्म अप मैच का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको पाकिस्तान का? पाकिस्तान का वार्म अप मैच कहाँ हुआ? अभी इसके साथ हुआ था ना, इंग्लैंड के साथ. पाकिस्तान का वो वार्म अप मैच नहीं था, पाकिस्तान की वो सीरीज थी, और पाकिस्तान की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ मुझे इंग्लैंड देख के बड़ी ड्रॉनी लगी यार. मतलब इंग्लैंड हैज गॉट अ ग्रेट बॉलिंग अटैक यार, बैटिंग अटैक तो उनका अच्छा था. मैच था वो जो मई 30th को हुआ था.
नहीं, वो वार्म अप मैचेस नहीं थे, वो प्रॉपर सीरीज थी पाकिस्तान की। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक उस मैच को देख के, अगर आपको लगता है राइट, लाइक उस मैच को देख के, क्योंकि दैट वाज अ हाईलाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम इन द वर्ल्ड कप एज वेल, राइट? क्योंकि यार बताए मसला क्या हुआ है, देखिए मसला यह हुआ है कि पाकिस्तान वॉज गोइंग विद एन ओपनर साइम अयूब, अगर आपने उसको देखा हो थोड़ा बहुत, अ वेरी क्लासी छक्के मारता है और नो लुक शॉट भी मारता है, टेक्निक काफी सही है उसकी, टेक्निक काफी अच्छी है, बड़ा अच्छा लड़का है, हमारे ही इस इलाके से है, मैं जहाँ बैठा हूँ उधर उसने टेप बॉल्स खेली है, तो Wait, really? मतलब हमने उसको जी बिल्कुल बिल्कुल इसी इलाके से है जहाँ पे मैं हूँ ना, सो ही इज़ लाइक वन ऑफ अस, जिसने जो है बड़े अच्छे लेवल पे क्रिकेट लेके चला गया, अपने आप को काफ़ी मेहनत की है, बट द थिंग इज़ के वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से लूप में था, खेल भी रहा था और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन PSL में लीग्स में परफॉर्म किया हुआ था और उसको हमें मतलब कॉन्फिडेंस था कि यार ये कुछ करेगा, बट द वेरी मोमेंट जब हमारी ये सीरीज़ होती है इंग्लैंड की, एक मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाता, एंड उसका मसला ये चल रहा है कि ना ही इज़ गोइंग फॉर द पुल शॉट, मतलब वो स्क्वायर लेग पे उसको सेटअप किया हुआ है उन्होंने, और हर बंदा आता है ओवर द विकेट राउंड द विकेट और वो उसको जो है इन टू द पिच बॉल करता है और वो पुल करने का कोशिश करता है, तो वहाँ वो मसला चल रहा है, तो उसको जो लास्ट मैच हुआ है ना उसमें ड्रॉप कर दिया, सो पाकिस्तान की ओपनिंग जो साइम अयूब और रिजवान कर रहे थे और बाबर आजम वन डाउन आ रहा था, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट मतलब वर्ल्ड कप में जाने से जस्ट एक मैच पहले वो चेंज हो चुकी है, तो अब ये कहना कि पाकिस्तान टीम एक सॉलिड बैटिंग लाइनअप के साथ जा रही है या जेल होके जा रही है, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान को वाकई नहीं पता कि क्या शदाब खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्या अबरार खेलेगा शदाब की जगह या नहीं खेलेगा, या साइम अयूब तो अब नहीं खेलेगा ना, अगर साइम अयूब खेलता है अभी तो फिर आपने उसको ड्रॉप क्यों किया था, मतलब बाबर रिजवान को अब आपने दोबारा से ओपनिंग पोजीशन दे दी है और उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया, सो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है कि पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन उस तरह नहीं पता, कि एक होता है ना आपको दो महीने से आप एक कॉम्बिनेशन लेके उतरते हो एंड यू गो फॉर इट, अभी पिछले मैच में आजम खान से जो है बैटिंग तो पूरी सीरीज़ में अच्छी नहीं हुई बट कैचेस भी छूट गए, तो बहुत सा यहाँ से प्रेशर आया हुआ है भाई पाकिस्तान से, काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़िटनेस पर तो सवाल उठते ही हैं, तो अब ये भी नहीं पता कि आजम खान बैठेगा या आजम खान खेलेगा, वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि खेल ले वो, क्योंकि वी नीड सिक्सेस और हमें हिटर एक ऐसा चाहिए, बट वन बट लोग ये भी गलत नहीं कहते कि उसकी फिटनेस वगैरह टूट जाता है यार, वो मैं बोल रहा था टीम का जब रिदम टूट जाता है ना तो वो बहुत खराब कर देता है, तो मेरे को लगता है, तो जैसे अभी टीम है राइट, पाकिस्तान का जो स्क्वाड इस बार जा रहा है वो है बाबर आजम कैप्टन, अबरार अहमद, आजम खान, फकर जमान, हारिस रौफ, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अवास, मोहम्मद आमिर मेरे को दिख रहा है यार, आमिर इज बैक फॉर द किंग, मोहम्मद रिजवान, नजीम शाह, साइम अगुब, शादाब खान, शाहीन अफरीदी एंड उस्मान खान, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग पॉइंट एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज इज मोहम्मद आमिर, तो मैंने लिस्ट बताई आपको, तो आपको क्या लगता है मोस्टली प्लेइंग 11 में ये क्या कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे? यार देखें पाकिस्तान को ना जो ब्लेजिंग इन डिसगाइज होता है, मसला ये आ चुका है कि भाई पाकिस्तान हैज़ गॉट टू मैनी ऑप्शंस फॉर द न्यू बॉल, मोहम्मद आमिर आप सबको पता है मोहम्मद आमिर की एक रेपुटेशन है और वो बड़ा अच्छा बॉलर है, और शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है वो नया बॉल उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, वर्ल्ड में माना जाता है, साथ साथ इमाद वसीम को भी अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं तो ही इज़ वेरी गुड बॉलर विद द न्यू बॉल एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बॉल, नसीम शाह भी न्यू बॉल अच्छी करते हैं, तो अब चार आपके पास न्यू बॉल के बॉलर हैं तो आप किसको खिलाओगे, पाकिस्तान को ये भी समझ नहीं आ रहा, तो व्हाट आर यू थिंकिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन बॉलिंग में, मतलब पेस और स्पिन मिला के ताकि ऑलराउंडर भी रहे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होगा, लाइक जैसे अभी आप टीम देखो राइट, हमारे ग्रुप में है USA, कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, राइट, US कनाडा को उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आयरलैंड एक है जो बहुत अंडरडॉग टाइप का खेलता है क्योंकि वो कभी भी आगे किसी को भी हरा सकता है, पता नहीं उनके क्या हो रहा है वहाँ पे, राइट, तो मेन कॉम्पिटिशन ये तीन टीम में, तो स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जो हमारा मैच होने वाला है June 6 को, व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन दैट स्पेशली फॉर बॉलिंग एंड बैटिंग पाकिस्तान ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो बहुत लीथल और इफेक्टिव रहे, क्योंकि आपको पता है इंडिया का स्क्वाड कैसा है राइट, तो टैकलिंग दैट फ्रॉम अ माइंडसेट, से सपोज आपको कोच बनाया जाए, आपको सिलेक्टर बनाया जाए, तो आप कैसा उसको बनाओगे? यार देखें शाहीन शाह अफरीदी तो मेरी लिस्ट में सबसे नंबर वन पे आ गया, ठीक है, शाहीन शाह को मैं बाहर बिठा नहीं सकता, ठीक है, नसीम शाह को मैं बाहर बिठा नहीं सकता, उसकी परफॉर्मेंस भी 2022 में आपके सामने है, ऑल्दो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी ऑफ शोल्डर, बट स्टिल मैं उसको बाहर नहीं बिठाऊंगा क्योंकि ही इज द मैच विनर फॉर अस।
अब बच गए दो बॉलर्स, हमें और चाहिए ना, या एक फास्ट बॉलर आएगा, चार सौ फास्ट बॉलर खिलाएंगे नहीं, क्यों खिला भी सकते हैं, चार क्यों नहीं खिला सकते, क्योंकि चार चार सौ खिला सकते हैं, ऐसे हो गए ना, एक स्पिनर खिलाओ, खिला सकते हैं, शादाब एंड इमाद जो है एज एन स्पिनर ऑलराउंडर अगर खेलते हैं, इफ्तिखार भी हमारे पास स्पिन ऑप्शन है, तो हम चार फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे, मेरा ख्याल है कि चार फास्ट, बट डिपेंड ऑन द पिच एज वेल ना, कि वहाँ क्या पिच की वेदर की कंडीशन हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत सीमिंग विकेट्स हैं या शायद हैं, मुझे नहीं पता, हाँ एकदम नहीं है ना वो, लाइक थोड़ा सा स्पिनर्स टाइप का, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, रन नहीं बन रहे अभी मैंने देखा है, तो अभी श्रीलंका भी जो है बोल्ड आउट हो गई, एंड इट वॉज लाइक कि कोई ऐसा नहीं था कि उनसे जो है खेली नहीं जा रही, कोई बहुत तेज बॉल आ रही थी, बट बॉल अराइव नहीं हो रही थी, एज निकल लेते, आई डोंट नो, एंड यू नो दैट इज, यू ब्रॉट अप अ ग्रेट पॉइंट राइट, सब लोग इंडिया का रोहित शर्मा और अजीत अग्रवाल क्वेश्चन कर रहा था कि इतने सारे स्पिनर लेकर क्यों जा रहे हो, राइट, एंड वन ऑफ द रीजंस क्यों इतना स्पिनर लेके जा रहा था, क्योंकि इनसाइड जो यूएस की तरफ से है कि यहाँ पे नए नए पिच बन रहे हैं, राइट, सीमिंग पिच बनने के लिए आपको बहुत मतलब टाइम लगता है, आप डायरेक्टली सीमिंग पिच नहीं बना सकते हो, मतलब ये तो गिवन, क्योंकि सॉइल का नेचर वैसा होता है, तो यहाँ पे सीमिंग पिच अगर नई नई बन नहीं रही है, राइट, एक्सेप्ट फॉर वेस्ट इंडीज, तो फायदा क्या है इतनी ज्यादा सीम बॉलर लेके जाने का, राइट, तो दिस वॉज द रीजन वाई इंडिया रोहित शर्मा इतने सारे स्पिनर लेके जा रहा है, अगर आप देखो उसकी टीम को, तो ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो ये बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप देखो ना तो इट्स नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर क्रिकेट, बट अब टाइम आ चुका है तो इसलिए करवा रहे हैं, दो महीने में ग्राउंड बना है, तो चीज़ें तो सामने आएंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, बिकॉज यू नो जो अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है ना, वाई पाकिस्तान लॉस, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू हिट सिक्सेस, अब आपके इंडियन ग्राउंड्स ना थोड़े छोटे भी हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, IPL जस्ट हैव टू टेक द करेज, यू जस्ट हैव टू टेक द करेज ना, आप एज पे भी छक्का मार सकते हो, बट यू फॉर दैट यू हैव टू प्ले द बॉल लाइक स्लैश करना पड़ेगा तेज, पाकिस्तानीज डोंट डू दैट, पाकिस्तानीज लाइक टेक्निक और कवर से खेलेंगे, चौके बनाएंगे, सो व्हेन इट कम्स टू लाइक 150 160 वाली पिचेस पाकिस्तान इज इन द गेम, व्हेन इट कम्स टू 220 230 पाकिस्तान इज नॉट इन द गेम, जस्ट बिकॉज हमारी बैटिंग उस तरह से नहीं एग्रेसिव है, सो ये पाकिस्तान को फेवर है, अगर आप देखो दुबई में भी जो है इंडिया ने 152 बनाए, पाकिस्तान चेज डाउन वेरी वेरी अमेजिंगली, लेकिन वही 180-190 होते तो मुश्किल हो सकती थी, सो पाकिस्तान इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू प्ले अ गेम ऑफ 150-160। बाकी बॉलिंग लाइनअप जो आपने मुझसे पूछा, देखो आमिर को नहीं बैठाना, आमिर को नहीं बैठाना, नया नया आया तो उसको तो देखो वो सबसे लीथल होने वाला है, किसी भी ऐसे प्लेयर को अगर आप दोबारा लाते हो स्क्वाड में, सो यू डोंट एड ऑन जस्ट कि वो उसको बैठा रहे बेंच में ना, तो आप उसको खिलाओगे लाजमी, तो नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह आफरीदी, अब हारिस रऊफ ने भी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और वर्ल्ड कप में भी पिछले अगर आप देखा जाए तो विराट कोहली बहुत अगेन एंड अगेन इंसिस्टेंट के हारिस जो है हैरी इनका बेस्ट बॉलर है, इसको हम टारगेट कर रहे हैं, सो अगर विराट कोहली ये कह रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ तो होगा उस बॉलर में, ऑल दो पीपल इन आवर कंट्री से कि हारिस रऊफ जो है बस बेकार बॉलिंग करता है, तेज़ करता है, बट स्टिल ही हैज़ गॉट समथिंग ना, कुछ तो होगा उसमें, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अभी कल मैंने देखा वो जो नोकिया बॉलर है साउथ अफ्रीका का, सो उसने इनटू द पिचेस बॉल मारी है और किसी से नहीं खेली है, 7 रन दिए हैं 4 ओवर में उसने, 5 विकेटें ले ली हैं शायद ना, सो यू नीड दैट बॉलर जो कि बॉल को ज़रा सा फेंके, यू डोंट नीड कि वो बस सीम हल्की सी छोड़ दे लाइक इंग्लैंड, ऐसा नहीं है, इसमें मारना पड़ेगा बॉल को ना, सो हारिस रऊफ की आपको जरूरत है, मोहम्मद आमिर है ना ऑलरेडी, तो और कितना चाहिए स्विंग, हाँ बिल्कुल, नसीम शाह, शाहीन शाह, आमिर, हारिस रऊफ, नाउ यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस, अब उसके बाद इमाद वसीम खेलेंगे और शादाब खान, सो अब इन 6 ऑप्शंस में से आपको 4-4 ओवर यूज़ करने, तो मेरा ख्याल है ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर बॉलर से 4 ओवर कराएं, जो अच्छी करा रहा हो आप उससे कराएं, बट द अगेन जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है कि न्यू बॉल किससे कराएं, अगर इमाद वसीम खेलता है और वो न्यू बॉल नहीं करता तो जस्ट टेक आउट 50% फ्रॉम इमाद वसीम, क्योंकि वो फिर अपना 100% नहीं दे पाएगा, बिकॉज अगर आप वही बोलो विराट कोहली को आप 4 डाउन 5 डाउन बैटिंग कराओगे तो क्या वो अपना 100% दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, जस्ट बुमराह से बोलो न्यू बॉल नहीं करो, जस्ट बुमराह से बोलो न्यू बॉल नहीं करो, बॉलिंग अटैक समझ में आ गया क्या होने वाला है, ओपन कौन करने वाला है फ्रॉम पाकिस्तान, ओपन बाबर रिजवान करेंगे, 1-2-3 कौन आएगा फिर, बाबर रिजवान ही करेंगे, बाबर बाबर रिजवान, उस्मान खान इज अ वेरी गुड एडिशन, टेक्निक वाइज इज नॉट गुड, बट जो करेज है ना लड़के में भाई, वो मतलब तबाही इनिंग खेल सकता है, और इंडिया के मैचेस में ना, इंडिया के मैचेस में आपको फ़खर जमान और उस्मान खान जैसे दो प्लेयर्स काम आने हैं, जो मतलब करेज आपको इंडिया इंडियन मैचेस में ना करेजस
प्लेयर्स चाहिए जो कि रिस्क ले सकें और टेक ऑन कर सकें इंडियन बॉलर्स को, बिकॉज वो प्रेशर गेम होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे दो बंदे काम आएंगे। सो बाबर रिजवान फॉर द ओपनिंग, वन डाउन आ जाएंगे उस्मान खान, सेकंड डाउन फ़खर जमान। तो बैटिंग पाकिस्तान की सॉर्टेड है। लाइक आई एम वेरी सैडेंड टू सी साइम अयूब सिटिंग ऑन द बेंच, बट क्यों उसको बिठाया गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार। बस परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं थी, बहुत टाइम से नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस, बट यू हैव टू सिलेक्ट के भाई या तो इंग्लैंड में खिलाते ही नहीं, अगर खिलाया तो पूरा सीरीज देते। तो कुछ चीज़ें हमारे बोर्ड में भी मसला है, बहरहाल सही है तो क्या कह सकते हैं हम। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अब साइम अयूब अगर अभी खेलता है वर्ल्ड कप में तो फिर हमें उस्मान खान को बिठाना पड़ेगा, जो कि शायद सही नहीं होगा, जो कि उस्मान खान जैसा प्लेयर चाहिए। सो बस ये एक रियलिटी है, क्या कह रहे हैं भाई। लेकिन हु नोस, साइम अयूब हो सकता है वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले भाई पाकिस्तान, हो सकता है। यार मेरे को ये बताओ, एक जो अभी अभी मैं उतना तो नहीं देख रहा था क्रिकेट पाकिस्तान का, बट वो जो हेल्दी सा बंदा है, थोड़ा मोटा सा बंदा है, वो कौन है आपकी टीम में? आजम खान, ही इज आजम खान, सन ऑफ मोइन खान, यू मस्ट नो मोइन खान। हाँ जी, मोइन खान का जानता हूँ। तो व्हाट इज मेरे ये समझाओ, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु वॉचेस क्रिकेट करेंटली फ्रॉम अ वेरी एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो बहुत ऐसा लगता है कि यार ये इतना फनी बंदा है, बट व्हाट आर हिज की स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर सम लाइक उसका लो स्ट्रेंथ्स जिसके ऊपर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये बताओ मेरे को। एंड वो की प्लेयर होने वाला है कि नहीं होने वाला है टीम के लिए? ओके, फॉर मी सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वो की प्लेयर हो सकता है, उसमें बहुत सी एबिलिटी है। आई हैव वॉच्ड हिम लाइक लाइव नेशनल स्टेडियम में, और जिस तरीके से वो रख के छक्के मारता है ना, मतलब सिर्फ बल्ला रखता है, ही इज़ अ वेरी जायंट ना, मॉन्स्टर है वो। सो ही इज़ लाइक पोलार्ड ऑफ पाकिस्तान, कि वो कुछ भी कर सकता है कभी भी, और जब वो मारने पे आता है तो वो छतों के बाहर फेंकता है, एंड क्लियरिंग नेशनल स्टेडियम बाउंड्रीज और इवन द स्टेडियम छतों के बाहर से फेंकना एक बड़ी बात है। तो उसका स्ट्रेंथ यही है कि यार ही इज़ अ वेरी बिग सिक्स हिटर, मतलब कनेक्ट करेगा और बहुत बड़े बड़े छक्के मारेगा। और उसके गुड पॉइंट्स ये हैं कि यार अगर वो मोटा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको ऑन फील्ड देखोगे, ही इज़ गुड टू रन, भागता है, सही है, सब कुछ ठीक है। बाकी उस पर डाउन पॉइंट्स आते हैं, फील्डिंग के लिए थोड़ा एजिलिटी तो चाहिए ना यार। डू यू थिंक लाइक वो फील्डिंग एजिलिटी जो बाकी लोग ला सकते हैं, वो आदम खान लेकर आएगा कि नहीं लाएगा? सीन ये है कि उसको फील्डिंग से बचाने के लिए पाकिस्तान ने उसको विकेट कीपर बनाया है, और विकेट कीपिंग वो कर रहा है, लेकिन विकेट कीपिंग में भी कैचेस छोड़ रहा है। बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा प्रोफेशनल विकेट कीपर भी कैचेस छोड़ देता है। सो इज़ अर्ली इन दैट फेज़ ऑल्सो। अब आप जज, हम लोग ये जज कर रहे हैं कि ये तो कभी भी नहीं कर सकता विकेट कीपिंग, लेकिन हो सकता है ये दो तीन कैचेस छूटे हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में कर ले। सो इट डिपेंड्स ऑन द टीम मैनेजमेंट के वो क्या एज अ विकेट कीपर इसको खिलाएंगे या नहीं। देखें, रिस्क तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं चली तो पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो अभी से प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। मोइन खान का इज्जत भी उड़ जाएगा, लेकिन मोइन खान ने तो साफ बोला हुआ है कि भाई ये मेरा बेटा है, बट इसको पाकिस्तान टीम में होना सिर्फ तभी चाहिए जब ये फिटनेस पे ध्यान दे। सो मोइन खान हैज टेकन मतलब द साइड, हाँ द सेफ साइड। अब ये है कि यार इसको जो नुकसान है ना उसकी फिटनेस का तो है, देखिए कोई भी मोटा हो अगर क्रिकेट खेले या कोई भी स्पोर्ट्स खेले तो उसकी नेशन वाले बुराई तो करते हैं उसकी, सही है। यार इंजमा मुल्ला को अभी हम देख रहे थे, पता नहीं कब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा आया था, उसमें वासीम अकरम बोल रहा था कि इंजमा मुल्ला उस समय ही वॉज हेल्दी, ही वॉज नॉट फैट, बट उसको भी लोग आलू आलू बोलते थे, एंड ही यूज्ड टू गेट एंग्री, राइट? तो इमेजिन द बुलिंग दैट ही विल गेट डर्ड, स्पेशली स्टेडियम, अगर इंडियन स्टेडियम में आया जहाँ पे इंडियन क्राउड ज्यादा हो, इसको पागल कर देंगे लोग यार, पागल कर देंगे। सही बात है। नहीं तो देखें अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हो, मेंटली तौर पे आपको टफ तो होना चाहिए कि आपको लोग बोलेंगे, बिकॉज यू आर, आप हो ना, मतलब या तो आप पतले होते, ठीक है, एंड यू आर क्लियरली सेइंग कि भाई मैं बर्गर भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा, वो ओपनली कह रहा है, सही है। सो दैट इज़ गुड थिंग कि भाई सही है वो कह रहा है, आप उसको फिर भी खिला रहे हो। ही इज़ नॉट सेइंग कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं हो पा रहा, मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, सही है। तुमने वो मीम देखा है, मेरे को लगता है इस बार वो जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, ये पिज़्ज़े बर्गर खा रहे हैं। लगता है इस बार वो रिएक्शन आएगा, उतना जोश आएगा, क्योंकि व्हाट आर योर होप्स फॉर लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिस टाइम फॉर द वर्ल्ड कप? डू यू थिंक लॉन्ग टॉप फोर, जैसे अभी टॉप एट, राइट, सुपर एट जो आएगा, सुपर एट में लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टीम्स, राइट? तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ मैचेस में, टीम्स में जो है ऐसा है कि ग्रुप ए में है यूएसए, कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान। हु डू यू थिंक ग्रुप ए से दो जन आएंगे?
पाकिस्तान इंडिया बहुत आसान ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इजी आसान है। बी में है नामीबिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इसमें से कौन दो आएगा? नामीबिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है ना, इंग्लैंड ठीक है। सी में है अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये पीएनजी कौन सा टीम है, पीएनजी है, और युगांडा और न्यूजीलैंड। इस दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी वाला, क्योंकि न्यूजीलैंड तो पक्का आएगा ही आएगा, बट बाकी टीमों में आई थिंक लाइक अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज में कोई भी आ सकता है। व्हाट डू यू थिंक, कौन आएगा? लेकिन इफ वेस्ट इंडीज लूज आउट, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये बैकलैश होगा कि यार वेस्ट इंडीज अपने होम कंट्री में नहीं पहुंच सकी। बट उसका टीम में ज्यादा है अगर... तो नहीं ना यार, उन लोगों का स्टार प्लेयर सब टीम नहीं देखी है। जा चुका है, मैंने टीम नहीं देखी है, बट देखें स्टार प्लेयर बेशक नहीं है, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट देयर लोकल टैलेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार प्लेयर्स उनके चले हैं वो तो रिटायर भी हो गए, बट द पीपल कमिंग नेक्स्ट हेटमायर वगैरह होंगे मेरे ख्याल है टीम में, सो उनको आप वो नहीं ले सकते। बट स्टिल अगर वेस्ट इंडीज नहीं पहुंचता है तो ये वेस्ट इंडीज के लिए तो कौन जाएगा, अफगानिस्तान पहुंचेगा क्या फिर अगर वेस्ट इंडीज बट लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं पहुंचता है तो ये तो तभी तो ये भी बहुत बड़ी वो है कि भाई अफगानिस्तान जैसी टीम नहीं पहुंच पा रही जिसने वर्ल्ड कप अभी बड़ा अच्छा खेला है वनडे का, और टी ट्वेंटी में तो वो स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। सो ये एक ऐसा तो एक ऐसा ग्रुप है भाई जिसमें जो है दिल टूटने वाले हैं किसी ना किसी टीम के फैंस के। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी। न्यूजीलैंड इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर पाया तो बहुत शर्म का बात होगा, उसका टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ग्रुप डी, लेकिन न्यूजीलैंड क्वालिफाई करे और इंडिया से खेले ये तो आप नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि काफी काफी स्ट्रांग टीम है डैरिल मिचेल, अभी इंडिया ने हराया था ना न्यूजीलैंड को, अभी सेमीफाइनल हुआ था। हाँ जी, और डी में है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और नेदरलैंड्स, राइट? इसमें से भी कौन जाएगा? साउथ अफ्रीका तो पक्का जाएगा, बाकी चार में वेरी टफ कंपटीशन। तो ए और बी ग्रुप जो है बहुत समझ में तो आ रहा है कौन टॉप टू होने वाला है, कौन कौन जाएगा। बट यूएसए को हल्का ना लें, यूएसए को हल्का ना लें, अगर वो यूएसए बांग्लादेश को हरा सकता है तो दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि देखिए कंडीशन डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। हमारे बैट्समैनों को आदत है पिच प्रॉपर मिलने की, सो आई डोंट नो क्या कैसे मिलता है, तो इस चीज में आई फील कि इंडिया नहीं हारेगा, एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इंडिया का जो स्क्वाड है ना, जो स्क्वाड इंडिया लेके जा रहा है इस बार, एज इन मतलब ठीक है बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि इसको क्यों नहीं खिलाया, शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया, उसके बाद फिर रिंकू सिंह को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। बट इफ यू लुक एट इट राइट, इफ दे ओपन विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, यही एक होने वाला है ठीक है। अगर ये नहीं खेला गया इन लोगों को, तो इन लोगों के अलावा और किसको खिलाया जाएगा? तो दैट्स व्हाई वी आर लाइक कि उन दोनों को टॉप करना पड़ेगा। ज्यादा हुआ तो विराट कोहली शायद वन पे आएगा, एंड उसके बाद ऑब्वियसली उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं, राइट, स्टार प्लेयर्स आर टू द पॉइंट वेयर उन लोग काफी अच्छा करें। ऋषभ पंत फॉर्म में, आपने ऑलरेडी देखा, सूर्य कुमार यादव तो है ही है, वो चल गया तो चल गया, वो चल गया तो फिर नहीं रुकने वाले, राइट? और फिर मेरे को लगता है इस बार हार्दिक पांड्या, ओ माय गॉड, आई थिंक हार्दिक पांड्या तो अभी बड़े मसले हुए हैं उसके साथ, तो वो बड़ा कमबैक वो आने वाला है, वो हिलाने वाला है सबको। आई हैव वेरी हाई होप्स ऑन दैट पर्सन, बिकॉज आई फील जो भी बंदा नीचे से आता है ना, उसके पास जो अग्रेशन होता है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है। जैसे उसको शमी को, राइट, वर्ल्ड कप में कितने अग्रेशन के साथ आया, ही वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर। सो आई फील यूएसए के खिलाफ तो उतना दिक्कत नहीं होने वाला है, बट अगर टॉप फोर आपको बोलना चाहिए, राइट, व्हाट आर योर, हु आर योर टॉप फोर, एंड आपको क्या लगता है ये जो आठ टीमें जाएंगी इसमें से टॉप फोर कौन खेलने वाला है वर्ल्ड कप में? डू यू थिंक देयर विल बी सरप्राइजेस? या देखें, एक्सक्लूडिंग ऑल द सरप्राइजेस, कि मैं पहले तो इंडिया पाकिस्तान को रैंक कर दूंगा, क्योंकि इंडिया जाना चाहिए, पाकिस्तान भी जाना चाहिए। यार ऑन पेपर अगर आप पाकिस्तान की आप टीम देखोगे ना, लाइक बाबर रिजवान, आप उनको रैंकिंग्स में देखो, वो टॉप 10 टॉप 5 रैंकिंग्स में होंगे T20 के। सिमिलरली मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बॉलर, शाहीन शाफरीदी बहुत बड़ा बॉलर, इमाद वसीम एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर, फ़खर जमान यू नो कैसा प्लेयर है वो। सो इस पूरी टीम में अगर आप देखो तो 3-4 न्यूबीज प्लेयर हैं, बट उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड प्रॉपर प्लेयर्स हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्दो वो टीम अभी सही नहीं चल रही है, बट ऑन पेपर देखा जाए तो इट शुड गो टू द नेक्स्ट स्टेज। तो सुपर फोर में इंडिया पाकिस्तान को तो होना चाहिए। बाकी अब दो जो नेक्स्ट टीम है, अब बाकी तो दो नेक्स्ट टीम है ना, साउथ अफ्रीका को मैं रैंक करूंगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज इन अ फॉर्म, जो लाइफ टाइम फॉर्म है उनकी, मतलब ना
2023 का वर्ल्ड कप अभी आपने देखा इंडिया में और अभी भी, बट बाकी अब बच गए इंग्लैंड। चोक करेगा आपको क्या लगता है? चोक करेगा इन सेमीज, इन सेमीज, क्योंकि क्योंकि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए राइट, क्योंकि मैं ठीक है मानता, चलो इंडिया पाकिस्तान को रख लो, बट द अदर टू राइट, अदर टू में आई फील ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि उसके हर प्लेयर को देख लो राइट, बॉलिंग अटैक से लेके बैटिंग दे आर वेरी लीथल एंड यू कैन लाइक नेवर अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलिया राइट। सो आई फील ऑस्ट्रेलिया का जो विनिंग स्पिरिट है वो उसको लेके जाएगा, बट फोर्थ स्पॉट में विल इट बी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका? ठीक है तो आप बताओ चौथा चौथा टीम कौन रहने वाला है, आपको क्या लगता है चौथा टीम ऑस्ट्रेलिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा या न्यूजीलैंड होगा? या आई हैव अ कम्प्लीटली फ्लिप स्टोरी। आई फील अगर पाकिस्तान सुपर एट परफॉर्म नहीं किया, गलती से चोक कर गया राइट, व्हाट डू यू थिंक इज द पॉसिबिलिटी फॉर दैट? अच्छा सुपर एट भी होने वाला है ना? तो ऐसा होने वाला है, चार ग्रुप है ए बी सी डी ठीक है, तो इसीलिए टॉप टू से हर टीम से जाएगा, फिर सुपर एट होने वाला है, सुपर एट से फोर, फोर से टू, टू से वन, ये वर्ल्ड कप बड़ा टाइट होने वाला है, मतलब ये ऐसा वर्ल्ड कप हुआ नहीं पहले कभी ऐसा। एंड देन द इंटरेस्टिंग थिंग इज, क्योंकि जो मैं हमने आठ टीमें बताई राइट, ऐसा होने वाला है शायद जो आठ टीमों में रैंक करेंगे सबको, या फिर ए सी से खेलेगा, सी बी डी से खेलेगा, ऐसे करके मुझे कुछ आइडिया नहीं है रोस्टर में क्या होने वाला है, बट आई फील अगर कुछ कोई चोक किया टीम राइट बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एंड द ओनली फियर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट आई हैव इज बाबर आजम प्लेज अमेजिंगली वेल, बट ही इज एन अमेजिंग ओडीआई प्लेयर, डू यू थिंक he is an out of the world T20 player who can take your team to the finals? acha dekhiye babar azam quality hai kya? dekhiye babar azam is a limited player, pehle to ye samajhna padega, he is not even close to virat kohli, sahi hai, sorry agar pakistani fan bura lage, so how about this, let's take it from people compare karte hain right, uske captaincy mein itna dam hai ki wo leke ja sakta hai akele। यार कैप्टनसी की बात नहीं है, मुझे जो ऐसा लगता है ना, क्योंकि कैप्टन तो अब वो है सही है, 2022 के फाइनल्स में भी वो लेके गया, 2021 के आपने देखा इंडिया को भी हराया और हम सेमीफाइनल्स तक गए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया पे कैचेस छूट गए। सो इन टर्म्स ऑफ T20 मुझे लगता है कि अगर कोई भी कैप्टन हो इस टीम का जो पाकिस्तान की टीम है, और अगर ये फुल फॉर्म में खेल रही हो, तो फिर कैप्टन कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये टीम किसी को भी हरा सकती है। सो इसी तरीके से पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा पिछले वर्ल्ड कप में, फिर उठते उठते पहुंच गया बाहर, सही है। सो अगेन ये सब हो सकता है। हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान क्लीन चिट मतलब विनिंग स्ट्रीक के साथ जाए फाइनल्स में, सो ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान अभी भी अगर जाएगा तो वो हारते जीतते ही जाएगा, डोमिनेट पाकिस्तान सिर्फ कभी कभार ही करता है। तो बट स्टिल हाँ, कमिंग टू बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अच्छा आपको और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वनडे का प्लेयर है, बट अगर आप उसके T20 स्टैट्स वगैरह देखो, ही इज़ अ वेरी गुड T20 प्लेयर एज वेल। हाँ कहाँ वो लैक करता है, ही लैक्स इन हिटिंग। सो जब भी मैंने आपको बार बार बोला कि 150 टू 160 अगर पाकिस्तान चेज कर रहा है या बना रहा है, अगर 150 160 वाली पिचेज हैं, पाकिस्तान इज इन द गेम बिकॉज उनके ओपनर्स ऐसे ही हैं, बट वैन इट कम्स टू 220 पाकिस्तान को वहाँ मसला है। बट बाबर आजम इज़ नॉट दैट बैड कि वो 200 नहीं चेज करा सकता। या ऑब्वियसली ही इज़ नॉट एक्सप्लोजिव, इज़ अ वेरी लिमिटेड प्लेयर, इज़ अ वेरी गुड गाय जो कि अपने लिमिटेशन में रहते हुए उसको पता है कि मैं पीछे नहीं खेल सकता, मैं इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, सो ही प्लेज दैट। उसको पता है कि वो स्लॉग स्वीप पे छक्के नहीं मार सकता, तो वो नहीं करता, वो अपने गेम में खेलता है। सो ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश है या वो स्लो है, बट उसमें लिमिटेशंस हैं ऑब्वियसली, बट स्टिल उन लिमिटेशंस में रहते हुए भी जब वो पावर प्ले खेलता है और अगर ही इज़ इन टच, तो वो 3 पे 3 चौके, 4 पे 4 चौके लेके वो अपना स्ट्राइक रेट काफ़ी ऊपर ले जाता है। सिर्फ एक चीज़ में लैक करता है जो कि 10 ओवर 11 ओवर बाद जो हिटिंग है। सो अगर वो वहाँ एक अच्छा स्टार्ट भी देता है पाकिस्तान को, बाबर आजम से हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि वो विराट कोहली की तरह फिनिश करे, सिर्फ इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रोहित शर्मा की तरह स्टार्ट हमें अच्छा दे दे, भले वो छक्के मार के स्टार्ट ना दे बट चौके मार के स्टार्ट दे दे, 40-50 रन कर दे, उसके बाद फखर जमाना नजर, पीपल कैन टेक। एवरेज अगर दे दिया ना वो 8 या 9 का एवरेज स्टार्टिंग पावर प्ले में, दैट्स गुड इनफ। देता है वो अगर आप उसको देखो ना बाबर आजम को, उसकी T20 हंड्रेड्स भी हैं काफ़ी। तो बाबर आजम इज़ नॉट दैट कि आप उसको बिल्कुल अंडर रेट करो। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में। द रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट कैप्टेंसी वाज, अगर देखा जाए तो एक कैप्टन है जो अकेले अपना कैप्टेंसी एंड अपना एटीट्यूड के तरीके से अपनी टीम को लेके जाता है आगे, दैट इज पैट कमिंस राइट। बिल्कुल, ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड बैट्समैन, गुड ऑलराउंडर, बट ही इज नॉट एक्सेप्शनल।
वॉट ही इज वेरी गुड इन इज हैविंग दैट एटीट्यूड एंड इनकल्केटिंग इट इन अ टीम कि भैया मेरे को जाना है तो जाना है, राइट? तो वैसा वैसा आपको लगता है, मतलब बाबर आजम को छोड़ो, बट वैसा लगता है आपके टीम में, रोस्टर में वो कौन है जो आपके टीम को ऐसा इंस्पायर कर सकता है अभी? यार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ऐसा कोई बंदा अभी तक नहीं मिला आफ्टर सरफराज अहमद। सरफराज अहमद वो बंदा है जो उसका जो अकेले लेके आता था, अमेजिंग अमेजिंग। सो देखो आप भी एक्नॉलेज कर रहे हो सरफराज अहमद को, तो सरफराज अहमद वॉज अ गाय जिसके जाने के बाद ना पाकिस्तान ने बहुत लैक किया कैप्टनसी में, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में T20 के ऊपर जा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू के लीडर एक्सेप्शनली लेके चला जाए आगे, वहाँ पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडर नहीं मिला है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न पाकिस्तान की टीम में अभी भी देखें कैप्टनसी, अभी कभी शाहीन शाह बन गया था, फिर उसको हटा दिया, फिर बाबर आजम बन गया। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान को एक प्रॉपर कैप्टन मटेरियल क्यों हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यार, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज पॉलिटिक्स में इमरान खान को अभी हटा दिया, उसके बाद फिर नए आ गए, सो अनप्रिडिक्टेबल है टीम की तरह पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबल चल रही है। क्रिकेट बोर्ड का पॉलिटिक्स लाइक ऐसा क्या हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं स्टेबल हो पा रहा? नहीं देखें, जब जब हमारी पॉलिटिक्स बदल रही है ना, जब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बदल रही है, तो गवर्नमेंट आते ही साथ अपने पुराने वाले चेयरमैन को हटाती है बोर्ड के, और नया आता है वो सब कुछ दोबारा से चेंज कर देता है, फिर 3 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आती है और दोबारा से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये साइकिल चल रही है जिस वजह से प्लेयर्स भी बड़े मतलब इफ़ेक्ट हो चुके हैं और आवाम भी इफ़ेक्ट हो चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कैप्टन होने वाला है। लाइक हमें रोहित शर्मा का पता है कि रोहित शर्मा कैप्टन होगा जब तक वो खेल रहा है, बट हमें यहाँ नहीं पता था कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में कैप्टन होगा। वी वर थिंकिंग कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन होगा, सडनली एक सीरीज पहले बाबर आजम कैप्टन। तो यहाँ ये चलता है भाई, इंटरेस्टिंग, बट वन थिंग आई वांट टू शेयर कि देखें बाबर आजम जैसा भी आपने बोला ना, हार्दिक पांड्या को बहुत नीचे ले गए थे, बाबर आजम के साथ भी सेम यही सीन हुआ था, ही वॉज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन, बट जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था। बाबर आजम हर ब्लेम बाबर आजम पे डाल दिया, टीम की बैड परफॉर्मेंस आफ्टर 2023, वो होता है यार, कंट्री में अगर खराब खेलो तो ब्लेम पूरा टीम को नहीं आता है, ब्लेम कैप्टन पे जाता है, और बाबर पे बहुत ज़्यादा आ गया। तो बाबर आजम को इतना डाउन कर दिया, कैप्टनसी से हटा दिया, ओपनिंग से हटा के वन डाउन पे ले गए, उसको अनकम्फर्टेबल पोजिशन पे भी लेके गए, बट ही स्टिल परफॉर्म्ड। उसने न्यूजीलैंड सीरीज में वन डाउन आया फिर भी परफॉर्मेंस दी, हालांकि एक ओपनर को वन डाउन लेके आते हो तो ही कैन से यार मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बट ही परफॉर्म। अब येट अगेन बाबर आजम इज़ द कैप्टन, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम इज़ ऑल्सो समवन हु डिज़र्व्स, अगर इस तरीके से अच्छा खेलती है पाकिस्तान, 2021 में लाया सेमीफाइनल, 2022 में फाइनल लाया, सो हाउ अबाउट कि 2024 नेक्स्ट वर्ल्ड कप में फाइनल जितवा दे तो पाकिस्तान को, तो बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि बाबर आजम इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी लो, जो अभी उसके साथ हुआ, जितना कुछ भी हुआ उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तो अगेन सेइंग ही वॉज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन और समथिंग, बट आप अपने कैप्टन को इतना नहीं नीचे लेके आते, सही है आपको कैप्टनसी से हटाना था, आप इज्जत से हटाते, बट इतना ज़्यादा गलीज तरीके से नहीं। तो ये उसके साथ ज्यादती हुई थी, नाउ आई वॉन्ट कि भाई वो पाकिस्तान को जिताए वर्ल्ड कप और बाबर आजम का नाम उपजाओ। तो जब बिग क्लैश होने वाला है राइट June 6 को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? असल लेट्स स्टार्ट विद लाइक हु विल बैट फर्स्ट और हु विल बॉल फर्स्ट, दोनों सिनेरियो में प्ले करते हैं। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है राइट, व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोर दैट दे आर गोना पुट अप? पाकिस्तान को वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, रन करें 150 160 170। मैं इसलिए अगेन बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा यार 150 क्या होता है, मेरे माइंड में चल रहा है कि यार यूएसए में पिचेस अच्छी नहीं मिलने वाली, तो 150 चलो 150 बहुत कम हो जाए, तो 160 170 भी अगर टारगेट करता है पाकिस्तान बना लेता है। हाँ तो 150 टू 170 वुड बी अ कंपैरेटिव स्कोर, जिस पे पाकिस्तान जो है अच्छी बॉलिंग करके इंडिया को फंसा के आमिर वगैरह दौड़ाएँ, विराट कोहली के स्टम्प्स उड़ाएँ, पाकिस्तान इज़ इन द गेम। बट अगर वहाँ पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी नहीं करता तो पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द गेम, बट 200 कर देना 190 कर देना अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा लग नहीं रहा। चलो ठीक है, ये सिनेरियो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, व्हाट डू यू थिंक आर द चांसेस? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो इंडिया विल नॉट गो फॉर द किल। इंडिया को इतनी समझ आएगी इन पिचेस पे इतने रन नहीं बनने वाले अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान बुरी बॉलिंग करे, तो
एंड में जो है ना इंडिया को जो एडवांटेज है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दे आर पीपल लाइक स्टार्टिंग में अगर अक्षर पटेल खेले राइट, अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर लाइक वो आता है, वो भी पाकिस्तान इज लैकिंग इन द डेप्थ बॉलिंग। शाहीन शाफरीदी इज अ वेरी गुड बॉलर, अमेजिंग बॉलर, बट आपने देखा है कि 2021 के वर्ल्ड कप में वेड ने उसको 3 छक्के मार दिए लगातार, पाकिस्तान वहाँ से हार गया। तो शाहीन शाह की डेप्थ बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान, और अगेन 2022 के वर्ल्ड कप में यही हुआ कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच जस्ट लास्ट 4 ओवर्स में हारा। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को चैलेंज कर सकता है इंडिया इन द लास्ट 5 और 6 ओवर, जहाँ हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत जो है रन बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगर बैटिंग पहले करता है तो इंडिया शायद कर जाएगा 180, 175, 180, 190। इंडिया पाकिस्तान के लिए तो मेरा होप है फॉर एवरी गेम राइट, दे आर गोइंग टू डू मिनिमम 180, क्योंकि उनका बैटिंग अभी इस लेवल पे आ चुका है कि दे आर थिंक लाइक 3-3 तक राइट, कोहली तक दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि उसके बाद दे कैन प्ले सो केयर फ्री, क्योंकि उनको पता है उसके नीचे अगर पंत खेला, व्हिच इज ही इज द मोस्ट लाइकली सूर्य कुमार को मैं भूल गया भाई, तो वो और सूर्य कुमार को मैं भूल गया, वो सूर्य कुमार एंड पांड्या, ये तीन अकेले खींच खींच 20 ओवर्स है ना, 20 ओवर्स में तो यू डोंट हैव अ लॉट एज वेल, 20 ओवर्स में यू कैन लाइक टेक द गेम अ लॉट, तो मेरे को लगता है ये तीन इतने डिस्ट्रक्टिव होने वाले हैं, तो दे आर गोना टेक द गेम अवे। बस पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की मैच में नहीं करें, बाकी जितना करना रन करें सही। तो हु आर, सो मैं बताता हूँ इंडिया के तीन जो की प्लेयर है मेरे हिसाब से, मैं तीनों फील्ड में लूंगा, एक जो ऑलराउंडर होएगा, एक जो बैट्समैन होएगा, एक जो बॉलर होगा, जो बहुत की डिफरेंस बनाने वाले गेम में राइट। आई फील मोर देन विराट कोहली इट इज गोइंग टू बी रोहित शर्मा, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि रोहित शर्मा अगर स्टार्ट देगा ना अच्छा डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट, दैट विल बी अ वेरी की एलिमेंट इन डिसाइडिंग कि इंडिया बहुत आगे स्कोर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। क्लास एग्जाम्पल वी वर्ल्ड कप फाइनल्स राइट, वो absolutely. अगर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो हमारा थोड़ा मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं होता इन द सेंस कि एक्सप्लोज करके नहीं खेलता है सूर्य कुमार को छोड़ के राइट, तो आई फील रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी वेरी की प्लेयर, और अगर रोहित शर्मा नहीं है तो सूर्य कुमार यादव राइट, दीज टू आर गोइंग टू बी वेरी की प्लेयर स्पेशली इन T20 फॉर्मेट, क्योंकि इनका एक्सप्लोसिवनेस विल मेक श्योर कि हम लोग या तो 180 तक जाए या तो हम लोग का एटलीस्ट कंसिस्टेंट 8-9 के ऊपर रन रेट रहे। सेकेंड की प्लेयर विच आई फील जिसका वर्ल्ड कप ये होने वाला है इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या। Why? क्योंकि उसका इंक्लूजन इज बिकॉज हम लोग सीमर ज्यादा लेके नहीं जा रहे राइट, तो इंक्लूडिंग हिम विल गिव एन ऑप्शन फॉर बोथ सीम बोलिंग एंड फॉर बैटिंग, कि डिस्ट्रक्टिव बैटिंग भी हो बॉलिंग भी हो, क्योंकि हम लोग इतने स्पिनर लेके आ रहे हैं, तो ही इज गोइंग टू बी द सेकंड की प्लेयर फॉर इंडिया। एंड थर्ड आई फील, एंड वो काइंड ऑफ ऑब्वियस भी है, इज गोइंग टू बी बुमराह राइट। बुमराह चला अपना स्कूटर चालू कर दिया ना बुमराह अगर, तो देन लाइक नॉट अ सिंगल टीम इज गोइंग टू बी देयर डूड लाइक इसका, क्योंकि अगर देखा जाए राइट ऑन अ होलिस्टिक लेवल द ब्यूटी ऑफ T20 इज अगर 4 ओवर भी आपका कोई बॉलर खा गया ना किसी बैट्समैन के, सही बात राइट, 16 ओवर इज नॉट इनफ, एंड वो 4 ओवर में इतना डिस्ट्रक्टिवनेस ला सकता है, वो एक विकेट भी ले, मैं 2-3-4 तो बोल ही नहीं रहा हूँ, बुमराह एक विकेट भी अगर लिया राइट, वॉट ही रिस्ट्रिक्ट्स द टीम टू इज लेस देन 10-15 रन्स, वो इतना खराब इतना गजब बॉलर है, तो आई फील ही इज गोइंग टू बी वेरी की, क्योंकि अगर वो चला तो इंडिया के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, वो नहीं चला देन अ स्पिनर हैज टू स्टेप अप लाइक ये बात क्योंकि सही क्योंकि है। अगर उन क्योंकि युजवेंद्र चहल पता नहीं कौन सा टीम में खेलेगा कि नहीं, अक्षर खेलेगा कि नहीं, तो स्पिनर हमारे अच्छे अच्छे हैं, कुलदीप यादव नहीं है, कुलदीप यादव शायद है मुझे पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा रोस्टर, कुलदीप यादव तो बहुत बड़ा स्पिनर है यार, अनदर की बॉलर आई थिंक अर्शदीप होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट आर्मर है राइट, अर्शदीप इज अ वेरी गुड बॉलर, वो उसको अभी वो एक दो मैचेस में अपना थोड़ा स्किल दिखाया है, सो ही हैजंट लाइक शोन हिज बेस्ट येट, बट आई फील वो चल सकता है इसमें, बट की प्लेयर्स फॉर मी फ्रॉम इंडिया आर गोइंग टू बी रोहित शर्मा, पांड्या एंड बुमराह। If I have to ask you the same question, right? पाकिस्तान के हिसाब से कौन तीन की प्लेयर होने वाले हैं जो पूरा गेम डिसाइड कर सकते हैं, पूरा का पूरा अकेले सिंगल हैंडेड पूरा या पूरा गेम? ओके या सो पाकिस्तान में देखें, मैं सबसे पहले तो फखर जमान को रेट करूंगा, सही है, ही इज अ मैच विनर और वो ऑन अ डे कुछ भी कर सकता है। सेकंड अगर मैं किसी को रेट करूं, सो इस
जगह पे मुझे ऐसा लगता है इमाद वसीम इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, बिकॉज़ इमाद वसीम के जो 4 ओवर्स हैं, अगर उन 4 ओवर में वो 16, 17, 20 रन देता है, क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज़ की जगहों का ना, तो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस T20 बॉलर। और साथ में बैटिंग में मुझे जो लग रहा है, जिस तरह शादाब की बैट फॉर्म चल रही है, जिस तरह हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, ही इज़ ओनली वन ऑलराउंडर जिस पे मैं बोल सकता हूँ कि यार ये रन करेगा, इमाद वसीम रन करता है, तो ये दूसरा बंदा हो सकता है। और तीसरा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉलिंग में अगर मैं बोलूँ तो हारिस रऊफ़ वुड बी द एक्स फैक्टर, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिचेस जो है ना वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेंगी आफ्टर वो जो पिच पे मारेगा। अब मुझे नहीं लगता भाई कि क्या होगा, हो सकता है वो छक्के भी खा ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थिंकिंग है। बट फॉर मी इंडिया इज़ मोर लाइक स्टार ओरिएंटेड, कि रोहित शर्मा अकेले ही सब कुछ कर दे, विराट कोहली अकेले एक मैच जिता दे, सूर्य कुमार अकेले ही, लाइक इंडिया से उस तरह से कंपेरिजन करें अगर हम, तो इंडिया के बहुत सारे आपको प्लेयर्स निकलेंगे। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान इज़ अ मतलब एक दो होंगे ऐसे बंदे, बाकी सारे कलेक्टिवली जो है ना मेहनत करके जो है अपना इनपुट देके आपको जिताते हैं। तो पाकिस्तान, इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू विन, तो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट चाहिए होगी, लाइक ओपनर्स भी रन करें, बाबर रिजवान नीचे से भी रन हो, फखर जमान भी अच्छे इनिंग खेले, तब आप जीतोगे। तो पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम है एज़ कम्पेयर टू लाइक इंग्लैंड और इंडिया। हाँ, इंडिया इंडिया इज़ लाइक ऑल, लाइक इस बार सारा प्लेयर्स देखो राइट, इन लोग कुछ कुछ यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं फॉर एक्सपीरियंस, बट मोस्टली इट्स स्टार स्टार्टेड एंड द रीज़न इज़ वेरी सिमिलर, क्योंकि उन लोगों का एक एक्सपीरियंस है, IPL का एक्सपीरियंस आ गया है, प्लस पिछले वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है उनके पास, प्लस आई फील अग्रेशन वाइज आई फील मैनी पीपल आर सेइंग कि अरे रिंकू सिंह को लेना चाहिए था, शुभमन गिल को लेना चाहिए था, कंसिस्टेंटली उन लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट आई फील द टीम दैट देव सेलेक्टेड इज सो एक्सप्लोजिव एंड इट इज मेंट एंड टारगेटेड फॉर T20 वर्ल्ड कप के लिए उन लोग लेके जा रहे हैं कि हाँ ये टीम बॉलिंग रिस्ट्रिक्ट करेगा सबको और बैट्समैन आके धज्जी उड़ा देगा, वैसा टाइप का है मेरा प्रेडिक्शन इसके लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया, मुझे तो अच्छा लगता है वो बंदा यार। अच्छा प्लेयर यार, क्यों नहीं लिया वो किसी को नहीं पता है, पता है जो जो रूम में बातचीत करते हैं ना लोग, देयर कैन बी मेनी रीजंस, देयर कैन बी रीजंस फॉर वेदर टीम का अच्छा रैपो था कि नहीं, देयर कैन बी रीजंस की मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था कि नहीं, दिस कैन बी रीजन की मतलब टीम को अच्छे से दे, एक ये भी होता है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला, तो अगर देखा जाए उन लोगों का अगर दो बैट्समैन हम लोग के अगर दो जो है वो राइटी राइटी लेफ्टी आ गया, फिर विराट कोहली राइटी, फिर सूर्य कुमार राइटी, फिर ऋषभ पंत लेफ्टी, फिर पांड्या राइटी, फिर अक्षर पटेल लेफ्टी, ऐसे करके राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में हम जा रहे हैं। और बॉलिंग में हम लोग का ऐसा है कि हम लोग को बॉलर स्पिनर ज़्यादा चाहिए, अब रिंकू सिंह सिर्फ एक बैट्समैन है, अब बैट्समैन हम लोग ज़्यादा शायद बैट्समैन लेकर जाना नहीं आता था क्योंकि हम लोग को पता था कि हमारा बैटिंग इज़ वेरी स्टैक्ड अप, सो दैट कैन बी वन रीज़न, बट एग्जैक्ट रीज़न यार अजीत अगरकर और रोहित शर्मा को ही पता है। एंड इट्स लाइक देख, हम लोग इंडिया में ऐसा है ना कि इतने सारे अमेजिंग प्लेयर्स हैं ना, अगर रिंकू सिंह को लेते तो लोग बोलता कि ये शशि जायसवाल को क्यों छोड़ा है, उसको क्यों छोड़ा है, इसको क्यों छोड़ा है, तो देर कैन बी हंड्रेड, देर किसी को भी अगर लेते ना लोग कंप्लेन करते कि उसको दूसरे फलाने को क्यों नहीं लिया, बंच ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में। आई फील लाइक अगर ये जीतता है वर्ल्ड कप, इट विल बी अ टेस्टमेंट टू द पॉइंट कि हम लोग के साथ जो अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे लास्ट ईयर, एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप विल बी अ रिडेम्पशन फॉर अस ऑब्वियसली। यार अच्छा, एक चीज जो लास्टली मैं आपसे पूछूंगा कि जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस हैं, तो इनमें क्रिकेट से ज्यादा मैंने जो फील किया है इट्स लाइक कि प्रेशर हैंडलिंग का गेम है, सो उस पर आप क्या कहते हो कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू विन दिस दीज काइंड ऑफ मैचेस? मेंटल, एवरीथिंग इज मेंटल डूड, लाइक इसीलिए तो मैं बोल रहा था जैसे पैट कमिंस राइट, द रीजन ही विंस इज इसका मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, ही वाज नॉट प्लेइंग अ वेरी गुड वर्ल्ड कप, बट ही वाज लाइक ठीक है इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया का टीम स्ट्रांग है, इंडिया हर मैच जीता है, बट वी आर चैंपियंस डूड, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू आपकी कितनी भी अच्छी गेम हो राइट, मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको देखो क्रिकेट ग्राउंड में आप क्रिकेट मैच देखने गए, चिल्लम चिल्ली इतनी होती है, मजाक मजाक सब उड़ाएंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट राइट, प्लस द एडेड प्रेशर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ यू प्रिपेयर्ड मेंटली, एंड आई फील लाइक इंडिया उस चीज में थोड़ा सा लेग अप रहता है, एंड द रीजन फॉर दैट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मे बी हम लोग बहुत थिक स्किन्ड होते हैं, मे बी पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट अ लॉट, मे बी लाइक हम लोग एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेके जा रहे हैं राइट, द ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स यंग प्लेयर्स, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उन लोग ट्यून आउट कर सकते हैं राइट, बाहर का नॉइज और प्रेशर उन लोग अच्छा हैंडल कर पाते हैं वर्सेज न्यू बीज,
सो आई फील इस चीज में इंडिया इज वेरी स्ट्रांग क्योंकि उन लोग प्रेशर हैंडल करना जानता है. एंड इस बार लाइक जैसा स्क्वाड है चोकिंग के पॉसिबिलिटीज आर वेरी 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 लेस, वेरी 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 लेस, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज बीन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द टीम एज वेल, राइट? कि अगर टॉप थ्री चोक कर गया बाकी लोग संभाल सकता है कि नहीं, एंड द आंसर इज येस, इट्स बिकॉज ऑफ मेंटल गेम. तो इंडिया पाकिस्तान में एटलीस्ट आई फील इट डजंट कम डाउन टू किसकी बैटिंग अच्छी है, किसकी बॉलिंग अच्छी है, किसका ज्यादा जज्बा है जीतने का, सिंपल. क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान खराब फील्डिंग भी करे ना, एज इन जिसका तो पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि कैच छोड़ दिया, ये कर दिया, जो मीम है ऐसे करके इसको पूछ रहा है, राइट? तो जितना भी कर ले, राइट, अगर मेंटली स्ट्रांग हुआ पाकिस्तान तो पाकिस्तान उस दिन जीतेगा, अगर इंडिया मेंटली स्ट्रांग हुआ तो इंडिया उस दिन जीतेगा. कौन चाहेगा कि उसका कंट्री हारे, यही एक मजा है इन मैचेस का. वही अगर तुम बोल दिया कि इंडिया जीते तेरे को तो कैंसिल कर देगा लोग. क्या कह रहे हैं? कैंसिल कर देगा तेरे को लोग अगर तुम बोल दिया कि इंडिया जीतेगा ये मैच. बिल्कुल बिल्कुल भाई, पाकिस्तानी तो शायद अभी बुरा भी मान गए होंगे बाबर आजम पे. भाई मैं बताता हूँ, बाबर आजम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. बट जो मेरे को पूछा आपने, राइट, कि मेरे हिसाब से तो मेंटल है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल. बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के मैच में, व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर दैट हेल्प्स टीम विंस मैचेस एंड गेम्स? यार आई विल सेकंड यू कि बिल्कुल आपने जो बात बोली है बिल्कुल ऐसा ही है. और उसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया 2022 वर्ल्ड कप. मैंने बहुत से मैचेस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान के, प्रेशर हर मैच में रहता है, बट द प्रेशर एक टीम पे बहुत ज़्यादा था, इंडिया पे. 3 विकेटें 4 विकेटें गिरी हुई हैं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या. विराट कोहली वाज ऑन लाइक 21 बॉलों पे विराट कोहली कितने रन थे, कोई 15-16 रन थे. T20 मैच खेल रहे हो आप, तो उस मोमेंट पे जो प्रेशर था विराट कोहली और हार्दिक पांड्या पे, वो शायद ही कभी किसी क्रिकेट टीम पे आया होगा ना. अब पाकिस्तान से हारने का एक प्रेशर, और वो भी इस तरीके से कि आप बिल्कुल ही जो है क्रम्बल डाउन हो चुके हैं. बट वहाँ पे जो हैंडल किया विराट कोहली ने, और वहाँ पे जो हार्दिक पांड्या ने बड़ी कूलनेस और कामनेस के साथ विराट कोहली को बोला लेट्स टेक इट डीप, लेट्स टेक इट डीप, तो ये सारा गेम है भाई, यहीं का गेम है. अगर वहाँ पे वो रैश शॉट मार के आउट होते कि यार मैं जो है प्रेशर बिल्ड हो चुका है, 21 बॉलों पे 16 रन है मेरे, मार देता विराट कोहली, खड़ी हो जाती, आउट हो जाता, तो गेम वॉज ओवर. सो वहीं पर आपको अपने आप को जो है अपने आप से लड़ना पड़ता है मेरा ख्याल है. तो वो एक बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है प्रेशर हैंडलिंग की, जो विराट कोहली ने एक इनिंग खेली है ना. ये मुझे नहीं लगता ऐसी इनिंग कभी बाद में आएगी ना, इससे पहले कभी आई थी मैक्सवेल की 200 भी साइड पे, जो विराट कोहली ने ये वाली इनिंग खेली ना, ये वाली इनिंग कभी नहीं आनी भाई. पाकिस्तान इंडिया का मैच, और वो भी इतना हाई इंटेंसिफाइड मैच, तो ये एक प्राइम एग्जांपल मैं बोलूँगा कि भाई प्रेशर हैंडलिंग इसे कहते हैं. सही है, नो डाउट, मतलब गॉड ने भी उसकी मेहनत की, भाई मुझसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल यार ये जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी प्राइम एग्जाम्पल इसी को हम ले सकते हैं. बाकी यार ये खैर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा फ्रेंडली हमारी जो है कन्वर्सेशन रही. और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान के शायद लोग जो है वो भी इस तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोस्ती यारी अपनी जगह होनी चाहिए. हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, राइट? बिल्कुल. एंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फील्डर है उन लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहता है कि मेरे कैच पकड़ना है, मेरे कैच पकड़ना है, बाद में दोनों कैच नहीं पकड़ता है. एंड इसमें तुम वो मीम डाल सकता है कि वो कैच पकड़ना है, दूसरा कैच पकड़ दोनों छोड़ दिया. तो इट्स जस्ट अ डिगेटिव, बट लाइक नहीं, पाकिस्तान इज अ टीम. आई नो लाइक मजाक उजाक करते रहते हैं हम लोग कि इट्स लाइक अब्बास मस्तान की पिक्चर की क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, बट जिस दिन पाकिस्तान चलता है उस दिन पाकिस्तान चलता है, वैसा है. उस दिन इट्स लाइक अनबीटेबल, बट जिस दिन नहीं चले उस दिन उसको उगांडा भी हरा देगा और नामीबिया भी हरा देगा. बिल्कुल, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. Unpredictable, यही खासियत है, इसी से तो हर टीम डरती है. इसीलिए सब लोग चीयर भी करते हैं कि यार प्लीज आज जीत जाए, आज जीत जाए. पाकिस्तान इज मेंटेन्ड. लाइकवाइज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई एम सो ग्लैड दैट यू इनिशिएटेड दिस. आई होप दिस इज वन ऑफ मेनी पॉडकास्ट टू कम. एंड आप क्रिकेट ऐसे ही कवर करते रहो. आई लव वॉचिंग योर इंस्टाग्राम व्लॉग्स, द वे यू कवर योर गेम्स, मैचेस, आपके ड्रोन शॉट जो होते हैं, आपके जो GoPro शॉट होते हैं, और आप जो व्लॉग में कर रहे हो. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस, एंड आई होप यू गेट द सक्सेस दैट यू वांट, नॉट ओनली ऑन YouTube बट ऑन Instagram एज वेल. थैंक यू सो मच भाई, बड़ा अच्छा लगा आपकी तरफ से इतने काइंड वर्ड्स आए, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो और उनको पसंद करते हो. Awesome, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेर. यस, थैंक यू भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है हमारे व्लॉग्स भी देखते हो और आपने अप्रिशिएट किया. बस इसीलिए हम बनाते हैं क्रिकेट जितने लोगों तक पहुंच सके.
तो मज़ा आता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। बाकी यार उम्मीद करते हैं कि भाई फिर संडे को मैच है मैच है। तो हाँ जी अच्छा सर, रहे, पाकिस्तान जीते या इंडिया आई जीते बी आई मैच। बी आई एम वेरी अवेटेड फॉर दिस मैच। आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस मैच। भाई हम दोनों ये तो चाहते हैं कि हमारी हमारी कंट्रीज जीते, लेकिन एक चीज़ हम दोनों चाहते हैं जो सिंक होगी वो ये है कि मैच बड़ा कड़क होना चाहिए, वन साइडेड नहीं एग्जैक्टली, होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना बोरिंग चाहिए नहीं एक होना बार चाहिए। में। बिल्कुल। सो लेट्स होप फॉर अ सुपर ओवर थ्रिलर काइंड ऑफ मैच इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम और भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डेफिनेटली डू हंड्रेड लेट मी नो इन द परसेंट कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह फिर हम इन भाई के साथ जो है पूरा वर्ल्ड कप भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्रकृतिश भाई। थैंक बाकी यू सो मच इंशाल्लाह सर, हैव अ गुड लेट्स वन, मिलते बाय हैं। बाय, पीस। बाय बाय। ओके भाई, तो अगर अभी तक तुम मेरा पॉडकास्ट ये देख रहे थे तो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट, क्योंकि आई नो ये 1 घंटे का पॉडकास्ट था और काफ़ी लंबा था, और आज से पहले मैंने कभी इतनी लेंथी वीडियो अपने चैनल में नहीं डाली। सो आई रियली होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे मजीद पॉडकास्ट चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उमर भाई और पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करें और आपका भाई आपके लिए पॉडकास्ट और लेके आएगा। जहाँ तक बात है कल के मैच की, तो आई रियली होप कि कल पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का जो मैच है वो काफ़ी एक्साइटिंग और बड़ा अच्छा मैच हो। एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि कोई भी टीम जीते लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।